हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों आज आपके लिए लेके आए हैं ट्रिक टू यूज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। बहुत सारे बच्चों ने जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को देखा तो उनमें से कुछ बच्चे बोले, सर मेरे लिए तो रिएक्शन ही याद करना मुश्किल है, या तो आपने मैकेनिज्म भी करा दिए। तो बच्चों घबराइए नहीं, मैकेनिज्म उन बच्चों के लिए जो एडवांस की तैयारी कर रहे हैं या डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एक बात तो आप जान लीजिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड बनाए जाते हैं, तो पॉसिबिलिटीज ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाती है, आप इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको दिक्कत है तो उसके लिए हम कुछ ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, देसी जुगाड़ यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों खुश हो जाइए, आज हम लोग आपको बताने वाले हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए कि कोई भी एल्डिहाइड आए, कोई भी कीटोन आए, सर कोई भी एस्टर आए, इनसे क्वेश्चन बनता है। ध्यान रखिए, फिर से बोलता हूँ, एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर से बच्चों एल्कोहल बनाने की रिएक्शन एग्जाम में आती है, तो ये ट्रिक हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए, अलग अलग एल्डिहाइड लिए हुए दो, नीचे हमने कीटोन लिया हुआ है, इन दोनों डिफरेंट एल्डिहाइड के साथ में हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया हुआ है, फर्दर हमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया हुआ है, तो हमारा बनता है एल्कोहल। फिर हमने कीटोन लिया है, सर कीटोन का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराया, फिर उसका फर्दर हमने नेक्स्ट स्टेप में एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराया और बन गया हमारा एल्कोहल। तो एक चीज़ आपको पहले वीडियो में क्लियर हो चुकी है कि अगर आपका फॉर्मेल्डिहाइड होता है तो प्राइमरी एल्कोहल बनता है, एसिटल्डिहाइड होता है तो सेकेंडरी, और कीटोन होता है टर्शियरी एल्कोहल। बिल्कुल क्वेश्चन बनता है, लेकिन सर ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर क्या बनेगा? तो आइए बच्चों अब इसको और ईजी बनाते हैं। आपको करना क्या है कि जब भी आपको कोई एल्डिहाइड या कीटोन मिलता है तो आपको वो ऐसे लिख लेना है। यहाँ पे हमने खाली छोड़ दिया वैलेंसी, क्योंकि यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा ग्रुप क्या लगा है। जैसे अगर फॉर्मेल्डिहाइड होता तो यहाँ पे एक एच यहाँ पे होता और एक एच यहाँ पे होता, क्लियर है आपको? अगर एसीटोन होता तो CH3 एक यहाँ पर होता और एक CH3 ग्रुप यहाँ पर लगा देते। तो आपको पता है कि एल्डिहाइड और कीटोन में ग्रुप जो होता है कॉमन होता है, तो आप ऐसे लिखिए, उसके बाद RMGX ऐसे लिखिएगा और फिर H2O यानी कि HOH को आप ऐसे लिखिएगा। अब आप देखिए कि चाहे आपका एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर रहा हूँ एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप उसको ऐसे लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको रिएक्शन में जहाँ पे रेड पेन से दिखाया हुआ है, ये सी डबल बॉन्ड O का एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और RMGX का बॉन्ड ब्रेक होगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो उसके बाद देखिए कि कहाँ पर क्या जुड़ेगा। बच्चों ये R जो है इस वाले कार्बन के साथ जाएगा और O के साथ H जाएगा। देखिए क्या बना, C पे R आया और OH ग्रुप हो गया, और बाकी ये पूरा OH जो है ये MG के X के साथ चला जाएगा और MgOH X बन के बाहर निकल जाएगा, क्लियर है? तो एल्डिहाइड कोई भी हो, कीटोन कोई भी हो, हमेशा आपका प्रोडक्ट जो है वो एल्कोहल ही बनेगा। अब लेते हैं बच्चों फ्रॉम एस्टर। तो हमने यहाँ पे एक एस्टर लिया हुआ है, उसका रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराया है, फर्दर उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया और बन गया हमारा टर्शियरी एल्कोहल, क्लियर है? अब सर ट्रिक से कैसे हुआ, जल्दी से ये बताइए। तो बच्चों वही तरीका है, यहाँ पर आपको करना क्या है कि जो आपका एस्टर है सी डबल बॉन्ड ओ C2H5, इसको कुछ ऐसे आप लिख लीजिएगा। उसके बाद आपने पहले स्टेप में जैसे लिखा था वैसे ही RMGX नीचे लिखना है और H2O को HOH करके लिखना है। यहाँ पर बस ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कहीं पर भी एस्टर का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराएंगे एल्कोहल बनाने के लिए, तो वहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के 2 मोल यूज होते हैं, क्या आपको क्लियर है? वाटर का 1 मोल। तो उसके बाद ये बॉन्ड क्लीव हुआ, यहाँ से ये हुआ तो, और यहाँ से ये हुआ और R, तो 2 R ग्रुप जो हैं वो एस्टर वाले कार्बन के साथ कंबाइन हो जाएंगे, ऐसे डबल बॉन्ड O कन्वर्ट हो जाएगा OH में। और ये देखिए MgX जो है यहाँ से एक तो ये बनाएगा और दूसरा यहाँ से ये बनेगा, क्या आपको क्लियर है? तो ये बन गया हमारा एल्कोहल। इस ट्रिक की बच्चों प्रैक्टिस कीजिए डिफरेंट एल्डिहाइड्स पे, डिफरेंट कीटोन्स पे, डिफरेंट एस्टर पे, और देखिए क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है।